जल्दी आओ ताई, आपको कुछ दिखाना है, जल्दी 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 आओ। आ भी आ, बैठ, तू बैठ, देख ताई, ताई देखो ये वाला सेट, ये सुनील की मॉम के लिए ठीक रहेगा ना, उन्हें पार्टी में देने के लिए। ताई देखो ना कितना अच्छा सेट है। अच्छा है, लेकिन फिर भी ये सब लोग मना कर रहे। पुत्र मेरी वो गोल्ड चेन है ना, उसमें पेंडेंट डाल के दे देते हैं ना। नानी गोल्ड इज वेरी ओल्ड फैशन नाउ। ओल्ड इज ओनली गोल्ड बेटा, बाकी आजकल का तो जो सोना है ना वो आधा पीतल और पौना सोना होता है। नानी वैसे भी ये सेट है ना गोल्ड में नहीं बनने वाला, ये तो डायमंड में बनेगा, और वैसे भी गोल्ड बहुत ओल्ड फैशन हो गया है नानी अभी। ताई देखो ना कैसा लगेगा, डायमंड में बहुत अच्छा लगेगा ना इसे, है ना ताई? अच्छा लगेगा। और ताई आप है ना एक बार वो पार्टी प्लानर से भी बात कर लेना। ए वो पार्टी प्लानर कम पार्टी पूपर ज्यादा है, कितने गंदे डिजाइन भेजे उसने। आलू अरे भाई हमारी पार्टी है, हम खुद ही प्लान कर लेंगे, किसी और को नौकरी पे रखने की क्या जरूरत है। अभी तक तो हम ही नहीं प्लान किया है। हाँ और इसीलिए आज तक कोई भी पार्टी हमने एंजॉय नहीं की है। अरे सारा काम खुद ही करना है, सारी भागदौड़ सब 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 खुद ही करना है, लेकिन इस बार ये पार्टी हम सब लोग बैठ के एंजॉय करेंगे, है ना ताई? प्राची आई थिंक तो कुछ ज्यादा ही नक्शे में आ गई। अरे इतना फैशन अच्छा नहीं है। पैर उतने फैलाने चाहिए जितनी चादर होती है अपनी। फिजूल खर्ची के दिन अब हमारे रहे नहीं है, है ना? समझती हूँ ना? ताई, ताई बताओ ना आप सबको, आप ही ने बोला था ना पार्टी मेरे मन के हिसाब से होगी, बोला था ना आपने ताई? ताई बोलो ना, बताओ ना सबको, ताई बोलो। हाँ जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। चलती हूँ। You're the best type। मैं जरा कमरे में जा रही हूँ। वाओ नानी नानी ये वाला देखो, उससे भी बेटर है, देखो आजी आदु आओ भाई देखिए। समझ में नहीं आता। ये देखो उससे भी अच्छा है ना। मैम वो बुटीक होटल्स वालों ने जैम का कंसाइनमेंट वापस लौटा दिया है, कहा कि जैम सड़ चुके थे। उन लोगों ने लीगल नोटिस भेजा है, उन्हें उनके 40 लाख वापस चाहिए, और ललित के ऑर्डर की भी सेम कंप्लेंट है, उन्हें भी अलॉट नहीं चाहिए। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे दीदी? क्योंकि आप किसी भी प्रॉब्लम को ज्यादा देर टिकने नहीं देती। माय साची जी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। साची स्ट्रॉन्ग है इसलिए हमेशा उसी का टेस्ट लिया जाता है ना? मैं थक गई हूँ टीवी, टेस्ट देते देते थक गई हूँ मैं, और तुम भी तो नहीं हो मेरे साथ। पास होके भी कौन सा मेडल मिल जाएगा मुझे, तुम तो चले ही गए टीवी। मैं कहीं नहीं गया हूँ, यही हूँ आपके पास। देखिए इस कमरे को और बताइए कि मैं कहां नहीं हूं। ये ड्रेसिंग टेबल यहां से उठाकर मैंने आपको चूड़ियां बनाई थी, ये पर्दे
इन्हीं के पीछे मैं छुपा था जब मैंने आपको पहली बार प्रपोज किया था। और यहां जहां हमने पहली बार किस किया था। आपने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और फिर धीरे से उन्हें खोल कर मुझसे लिपट गई थी। अब जहां देखेंगी मुझे पाएंगी। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। ध्यान से आगे आ। दीदी, बेटी। मॉम, मॉम इस वक्त मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। होश में आ जाऊंगा तब बात करेंगे। लेकिन तुम होश में आओगे कब? तुम तो हमेशा। मॉम, फिर से ज्ञान। मैंने आपसे कहा ना, मैं होश में आना ही नहीं चाहता। आपने सुना है ना, जब लाइफ में किसी को धोखा मिलता है तो के होश ही उड़ जाते हैं। पर मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ। मॉम प्लीज, मुझे नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। कि आई मैनेज। अरे पापा, तुम आई मैनेज, संभाल के जाना। आंटी, आप परेशान मत होइए। अभी इस वक्त वो होश में नहीं है और इस समय उसे कुछ भी समझाना पॉइंटलेस है। साची मैम ने जो उसके साथ किया, उससे उसे निकलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। उसे टाइम दीजिए और फिर मैं हूं ना, उसे होश में आने दो, उसे समझाती हूँ। चलिए, मैं उसे देखती हूँ। ले जाओ, ले जाओ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैंने तुमसे प्यार क्यों नहीं किया यार? इतनी अच्छी हो तुम, लेकिन नाउ इट्स टू लेट। प्यार तो हो गया उस अच्छी चीज से। तेरा फ्रेंड तो गया यार। उसके दिल से
साची जी को निकालो, तुम्हें ये गोल्डन चांस मिला है वो भी दोबारा, जस्ट डोंट लेट इट गो, अपना दिमाग इस्तेमाल कर, क्योंकि दिमाग के आगे बॉडी की हर ऑर्गन फेल है, दिल भी। डरा ही दिया। तुम सारी रात डीवी के रूम में थे? हाँ। अरे लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रही हैं। Shut up। दी मैं सच कह रही हूँ। डीवी ने मुझे छुआ तक नहीं। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारी भलाई है। मैं सच कह रही हूँ। सच बोल रही हो इसीलिए तो मना कर रही हूँ। हाँ? हाथ में आई हुई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम कैसे गवा सकते हैं? मतलब ये मेरी जान कि तुमने पूरी रात डीवी के साथ बिताई है। कैसे बिताई है? Leave it to their imagination। ताकि तुम इस खानदान की सुपर रिच खानदान की बहू बन सको और इस सुपर रिच छोटे बेटे की वाइफ और उस बदतमीज बददिमाग साची को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। I don't think that's a possibility. दीवी इस वक्त जिस हाल में है ना, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी किसी और से प्यार कर भी पाएगा। पूरी रात उसने मुझे छुआ तक नहीं दी। सिर्फ साची साची का नाम बड़बड़ा रहा था वो अंदाज से। दीवी is gone. He's completely gone. It's okay. कब तक बड़बड़ाएगा साची साची? एक बार जबरदस्ती ही सही, उसकी वाइफ बन जाओ, करोड़ों पर कब्जा कर लो और उस साची को रास्ते से हटा दो। फिर क्या है? टीवी सब मैं कब तक ऐसे रहेगा? एक दिन जब वो तुम्हारी तरफ करवट लेगा तो बगल में तो तुम ही होगी ना। अभी करोड़ों पर कब्जा करो, बाद में टीवी पर भी कर लेना।
ना उसने, प्लीज आइए आइए बैठिए। कैसी हो बेटी? आपसे झूठ नहीं बोलूंगी अंकल, ठीक नहीं हूं। क्या हुआ? अंकल मैं बहुत मुश्किल से आपसे ये बात कर रही हूं, क्योंकि पापा के बाद आपका ही नाम याद आता है मुझे। बेटा तुम्हारे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, हमारे जमाने में बहुत दोस्त नहीं बनाते थे, एक दो ही बनाते थे और जिंदगी भर उसे दोस्त ही बनाते थे। तुम्हारे पापा की जिंदगी भले छोटी ही रही हो पर दोस्ती लास्ट तक निभाई है उसने, तो मैं भी निभाऊंगा। बोलो बेटा। अंकल मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूं अंकल, मुझे मुझे थोड़ा सा लोन चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे कुछ क्लाइंट्स अपना एडवांस वापस मांग रहे हैं और मैंने वो सारे पैसे जैम्स के प्रोडक्शन में लगा दिए हैं, सब कुछ इन्वेस्ट हो चुका है। तो कितना चाहिए? 40 लाख अंकल। बेटा मैं तुम्हारे पापा की जगह होता तो कहता बिजनेस बंद कर लो, लेकिन अभी नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि ये फर्म तुम्हारे लिए भगवान से भी बढ़कर है, अपने पापा से जुड़े रहने का एकमात्र जरिया। बेटा मैं आंखें मूंद कर भी तुम्हारी जैसी मेहनती लड़की को पैसे दे देता, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं बैंक का मेंबर नहीं रहा, रिटायर हो चुका हूं और तुम्हारा केस इतना वीक है कि बैंक के बाकी कोई भी मेंबर इसे ओके नहीं करेंगे। फिर भी कोई आप किसी को जानते होंगे, किसी से बात तो कर सकते हैं ना? बेटा रिटायरमेंट के बाद आदमी सिर्फ अपने अकेलेपन से बात करता है, ना किसी से उसे कोई काम होता है और ना किसी से बात होती है। आई एम सॉरी बेटा। ना प्यार फिर से विश्वास उठ गया। और साची जी दो लोग जिन पर मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा विश्वास किया, उन दोनों ने मिलकर ही मेरी बैंड बजा, धज्जा उड़ा दी मेरे कॉन्फिडेंस की। ये मैंने क्या किया? कहीं अपने बच्चे को जानबूझकर जीते जी मार तो नहीं दिया? हे भगवान कैसी माँ हूं मैं जो चुपचाप ये सब देख रही हूं। गलती वो होती है जो अनजाने में हो जाए, लेकिन जानबूझकर ये सब होने देना ये बहुत गलत है। मुझे कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। सुपर्णा, सुपर्णा क्या हुआ बेटे? मॉम जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया है। अंकिता क्या हुआ? जी मैं क्या बोलूं? मैं चलती हूं। सुपर्णा सब ठीक तो है ना बेटे? कोई मुझे बताएगा आखिर क्या हुआ? मॉम अब सब आप पर डिपेंड करता है। आखिर तुम मुझे बताओगी क्या हुआ है? आज सुबह जब मैं डीवी के रूम के सामने से निकली तो मैंने देखा कि अंकिता उसके साथ उसके रूम में थी। इनफैक्ट वो दोनों पूरी रात साथ में थे। नहीं नहीं सुपर्णा ऐसा नहीं हो सकता। मॉम ऐसा ही हुआ है, हमारे बच्चे ऐसी हरकत नहीं कर सकते। मैं ये बात हरगिज मानने को तैयार नहीं हूँ। मॉम प्लीज अंडरस्टैंड, ये दोनों अब बच्चे नहीं रहे, जवान हो चुके हैं। और अगर डीवी होश में रहे तो वो समझदारी की बात करेगा। तो जब देखे नशे में रहता है, हो सकता है
नफरत के नशे में बह गया हो और ये अंकिता भी तो उसके प्यार में पूरी तरह दीवानी। अब बात सिर्फ टीवी की बर्बादी की नहीं है, मेरी बहन की भी है। हमें जल्दी ही कुछ करना चाहिए प्लीज, नहीं तो अंकिता बदनाम हो जाएगी। ये सब क्या हो रहा है सुपर्णा? ऐसा लगता है कि इस घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई। मॉम मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ है, पर इतना बुरा भी नहीं हुआ है। आप तो हमेशा से ही चाहती थी ना कि अंकिता इस घर की बहू बने। मॉम शायद भाग्य में ऐसा ही होना लिखा था, और ऐसा करने से शायद हम जीवी को उस लड़की के चंगुल से भी निकाल सकेंगे। हाँ बेटी, अब हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। मॉम आप प्लीज जो भी करें सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी बहन की इज्जत का भी सवाल है। प्लीज जल्दी कीजिए जो भी करना है।